नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अनार के जूस को पीने के क्या क्या बेमिसाल फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आजकल के लाइफस्टाइल के चलते लोग हेल्दी फूड्स की जगह पैक फूड को खाते हैं, ऐसे में उन्हें जल्द ही इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर बीमारियां घेर लेती है। आजकल लोगों में एनीमिया यानी कि खून की कमी बहुत देखी जा रही है। ऐसा महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका आसान सा उपाय छुपा है अनार के दानों में। अनार के दाने दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट। लेकिन अनार छीलकर खाने की बात हम सभी लोग जब आती है तो हम सभी लोग आलसी हो जाते हैं। दोस्तों, अनार के आयुर्वेदिक गुणों के आधार पर दुनिया भर के वैज्ञानिक कई तरह की रिसर्च कर रहे हैं। अनार हमारे देश में लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है और बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है। पारंपरिक तौर पर देसी नुस्खे के तौर पर अनार का कई तरह के रोगों के उपचार के लिए भी उपयोग किया जाता है। अनार के कई सारे रोचक गुणों के बारे में जानकर आप भी अनार को अपने खान पान का एक अहम हिस्सा बना लेंगे और साथ ही आलस छोड़कर अनार को छीलने में भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ इसके दानों में बल्कि इसके छिलकों में भी कई तरह के फ़ायदे छुपे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अनार के जूस को पीने के क्या क्या लाजवाब फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अनार के जूस के सेवन से शरीर में खून की कमी को दूर किया जा सकता है और इसी वजह से यह दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। रोजाना एक गिलास अनार का जूस पीने से सेहत काफ़ी अच्छी बनती है। इसके अलावा अनार का जूस शरीर में इंसुलिन की मात्रा को प्रभावित किए बगैर इंसान का वजन कम करने में मदद करता है। खाली पेट रोजाना अनार का जूस पीने से फैटी सेल्स का बनना कम होने लगता है और धीरे धीरे वजन कम हो जाता है। इसके अलावा अनार का जूस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बेहतर बनाता है, यानी यह दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन होता है। माना जाता है कि ब्रेन से जुड़ी समस्याओं के रोगियों को अनार का जूस हर दम पीते रहना चाहिए। अनेक रिसर्च से यह पता चला है कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत के लिए भी अनार का जूस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा जोड़ दर्द या आर्थराइटिस से ग्रस्त रोगियों के लिए अनार का जूस एक वरदान है। रोगियों को दिन में एक बार कम से कम 75 से 100 मिलीग्राम अनार का जूस जरूर पीना चाहिए, इससे काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा रिसर्च से यह जानकारी मिली है कि अनार का रस प्रोस्टेट के दोहरेपन को रोकता है और प्रोस्टेट कैंसर सेल्स को मारने में सक्षम होता है। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर की संभावना होने या इसके शुरुआती दौर में रोगी को अनार का जूस पीना चाहिए, जो बेहद ही कारगर होता है। दोस्तों, लैब से प्राप्त क्लिनिकल रिजल्ट पर अगर नज़र डाली जाए तो जानकारी यह भी मिलती है कि अनार के दानों में एरोमेटेस नाम के एंजाइम की क्रिया को कम करने का गुण होता है। दरअसल एरोमेटेज एंजाइम एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में बदलने का वर्क करता है, जिसके कारण होता क्या है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई खतरनाक बैक्टीरियाओं की वजह से जिंजिविटीज और अन्य मुंह से संबंधित रोग होने लगते हैं और इसकी बढ़ोतरी को रोकने के लिए अनार के छिलके बेहद ही असरदार होते हैं। अब दोस्तों, ये पुरुषों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। लगभग 50 ग्राम अनार के रस में छोटी इलायची के बीजों का चूर्ण लगभग 1 ग्राम और सोल्ट पाउडर लगभग आधा ग्राम मिलाकर पीने से पुरुषों में पेशाब के साथ वेरे निकल जाने की समस्या बहुत ज़्यादा इस समस्या में आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हालिया में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना सिर्फ एक ग्लास पोमग्रेनेट यानी कि अनार का जूस पीकर 30 से 40 वर्ष के लोग और बुजुर्ग अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। इस शोध को साबित करने के लिए याददाश्त की समस्या से परेशान करीब 32 लोगों को इसमें शामिल किया गया। इस रिसर्च के दौरान इन लोगों को अनार का जूस एक गिलास रोजाना एक महीने तक पीने के लिए दिया गया। एक महीने के बाद आए रिजल्ट देखकर पता चला कि अनार का जूस याददाश्त को बेहतर बनाने में काफ़ी कारगर माना जाता है। तो देखा दोस्तों, एक अनार खाकर इतनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे अनार के जूस को पीने के फायदे, लाजवाब फायदे, और इसका किस किस तरह से यूज होता है उस सब के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।